सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्लास में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। वी विल सी द गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में डिस्कस करने वाला है। सो टू अंडरस्टैंड अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर ढंग से अंडरस्टैंड करने हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू गो बैक टू द पास्ट, हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना होगा। इन द पास्ट यानी कि 1750 से पहले, ब्रिटिश बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वी कैन सी दैट द प्राइमरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड वाज बेसिकली इट वाज एग्रीकल्चर, वी कैन से, यानी कि इट वाज ए काइंड ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन आफ्टर द 1750 यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में शुरू हुआ, इट गिव्स ए क्लियर मैसेज टू ऑल द अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करने हैं देन डेफिनेटली वी हैव टू फोकस ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि वी कैन से दैट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेकेंडरी सेक्टर बिकेम्स ए प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ईच एंड एवरी कंट्री। एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि हो सकता है कि बाई दिस सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन लाने के बाद वी हैव अचीव ए इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, वी हैव अचीव देयर इज एन इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने बहुत सारे से खो दिया। एक हाथ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ लेकिन दूसरे हाथ पे वी हैव लॉस्ट ए लॉट, जिसकी भरपाई शायद हम मतलब एक दो साल में कर नहीं पाएंगे। दैट मच वी हैव डिस्ट्रैक्टेड, दैट मच वी हैव डिग्रेडेड आवर एनवायरमेंट, दैट मच वी हैव पोल्यूटेड आवर मदर अर्थ, क्योंकि ये जो इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो वैसे नहीं आया, उसके बदले में हमें बहुत सारे से खोना भी पड़ा है, वी हैव लॉस्ट अ लॉट। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी सी सम द डेवलप्ड नेशंस, अगर हम कुछ डेवलप्ड नेशंस को देखें जैसे कि हो गया कि फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन सब कंट्रीज को देखें, दे हैव अचीव देयर इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम इन लोगों ने अपना एनवायरमेंट, पर्यावरण को भी ढंग से ख्याल रखे है। दे हैव टेकन केयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, इवन दो दे हैव अचीव देयर इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, एट द सेम टाइम इन लोगों ने अपना पर्यावरण, अपना जो एनवायरमेंट है इसको भी अच्छी ढंग से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, दे हैव प्रिजर्व देयर एनवायरमेंट। हालांकि हम अगर इन सब कंट्रीज को देखें, ये लोग कुछ दे वर पेइंग फॉर समथिंग व्हिच दे हैव इन डीड, लेकिन अगर आप देखें एट प्रेजेंट करेंट राइटली इफ राइट नाउ अगर प्रेजेंट सिनेरियो को आप देखें, ऑलरेडी वी नो दैट कि हाउ आवर एनवायरमेंट इज डिग्रेडेड, हाउ आवर अर्थ इज गेटिंग पोल्यूटेड, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है, एकदम पोल्यूशन चारों तरफ पोल्यूशन से पोल्यूशन है, दिस पर्टिकुलर पोल्यूशन जो इन लोगों ने किया नहीं है, दिस डेवलप्ड नेशंस जो कि अगर हम फिनलैंड के बारे में बात करें, डेनमार्क के बारे में बात करें, स्वीडन के बारे में बात करें, स्विट्जरलैंड के बारे में अगर बात करें, तो दिस आर द पीपल दे हैव टेकिंग केयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, इकोनॉमी के साथ साथ इन लोगों ने अपना एनवायरमेंट को भी ढंग से ख्याल रखा हुआ है, लेकिन बट स्टिल दे आर पेइंग फॉर समथिंग व्हिच दे हैवंट डिड इट। इन लोगों ने जो पॉल्यूशन करके रखे हुए पूरी की पूरी दुनिया को, पूरा दुनिया को, इन लोगों ने अगर हालांकि इन लोगों ने अपना देश के अपना एनवायरमेंट को ढंग से ख्याल रखा है, बट स्टिल दे आर पेइंग फॉर दैट फॉर समथिंग जो इन लोगों ने किया नहीं है। सो फाइनली अल्टीमेटली फॉर द फर्स्ट टाइम द क्वेश्चन अराइजेस इन द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल पे वो क्वेश्चन अराइज हुआ, उठाया गया कि जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, जब हम लोगों ने एनवायरमेंट को डिग्रेड किया ही नहीं, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के टर्म्स पे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, एट द सेम टाइम हम लोगों ने अपना एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, तो इसके बदले में हम लोगों ने तो एनवायरनमेंट को तो इतना डिग्रेड किया नहीं जितने आप लोगों ने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया, लेकिन बदले में तो हम लोगों को भी इफेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई एक दूसरे कंट्री में डिस्ट्रक्शन पेड़ काटते रहे, पोल्यूशन करता रहे, कि वो पोल्यूशन वो एनवायरनमेंट सिर्फ उसी कंट्रीज को हार्म करेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज दिस एनवायरनमेंट पोल्यूशन या जो भी ग्लोबल वार्मिंग है इट इज ग्लोबली, ये ग्लोब की काम है, एक पूरा नेशंस उसको टैकल अप नहीं कर सकता, वी हैव टू सी इट इन ए ग्लोबल सिनेरियो, एज ए होल टुगेदर हम उस पर काम करने होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वाला कंट्री में इंडस्ट्रीज ज़्यादा एमिशन पोल्यूशन एमिट कर रहा है, सो ये नेचर्स ना सिर्फ इन लोगों पे ना भरकेंगे, नहीं, जब नेचर भरक भरेंगे, जब नेचर व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर लाइक टेम्परेचर उसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है,
वो सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री पे ही पढ़ेंगे नहीं, इट विल बी ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड इट विल बी पढ़ेंगे. सो अल्टीमेटली दोज कंट्री वर थिंकिंग कि हम लोगों ने तो कुछ कुछ किया ही नहीं है. कुछ कंट्रीज है, कुछ दूसरे कंट्रीज है, जो कंट्रीज इन लोगों ने थराधर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर डिस्ट्रक्शन करे ही जा रहा है, मतलब पोल्यूशन करे ही जा रहा है, जिसकी इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे पड़ रहा है, जो कि हम लोगों ने जो किया नहीं उसका भी भरपाई हमें करनी पड़ रहा है. सो अल्टीमेटली द क्वेश्चन राइजेस इन द ग्लोबल लेवल. सो फाइनली द डिबेट स्टार्टेड. फाइनली द डिबेट स्टार्टेड एंड ऑल द वर्ल्ड, ये दुनिया में, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, इन लोगों में से दो भाग में बांट गए. वन पार्ट वॉज द डेवलपिंग कंट्रीज एंड अदर वो पार्ट है जो डेवलप कंट्रीज है. ये जो डेवलप कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज, सीज डेवलप कंट्रीज स्टार्टेड ब्लेमिंग द डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप वाले कंट्रीज जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, वो सब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश को ब्लेम करना शुरू कर दिए कि आप लोगों के ये जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज पॉपुलेशन, पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन ब दिन पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है. दिन ब दिन यू पीपल वेर हार्मिंग द एनवायरमेंट, यू पीपल वेर द मेन रूट कॉजेज बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्थ, यू पीपल वेर द मेन रीजन बिहाइंड दिस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंजेस. क्योंकि आप लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण आप लोग अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है. बढ़ती हुई ये जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई ये जो पॉवर्टी है, इन लोगों के डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप लोग जहाँ तहाँ पे एवरीवेयर यू आर जस्ट स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिंग एनवायरनमेंट जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जो कि अल्टीमेटली यू आर डिवास्टिंग, यू आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर. सो फाइनली दिस डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड, डेवलप्ड कंट्रीज स्टार्टेड ब्लेमिंग द डेवलपिंग कंट्रीज. So ultimately, the developing countries, so developing countries like India and China, they started now protecting themselves by saying that आप लोगों ने already industrial revolutions लाके already आप लोगों ने आपको जितने चाहिए थे उतना industrial develop सुनो revolutions करके destruction extraction सब कुछ करके आप इस level पे पहुंच गए हैं. और जब आप हमारे जो बारी है, जब हमारे बारी आया कि हमें भी ऊपर जाने का, तो आप लोग हम पे ब्लेम ठोक रहा है, आप लोग हम पे ब्लेम कर रहे हैं. तो ये तो दिस पीपल द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर जस्ट लाइक कि नहीं, जब आप लोग वहाँ पे पहुँच गया तो हम लोग जब आपके बराबरी करने के लिए हम जा रहा है, तो आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग को नहीं करने, बिकॉज यू पीपल कैनॉट डू डैट इन द नेम ऑफ एनवायरमेंट. पे क्या कर रहे हैं आप लोग वहाँ पे हमारे यहाँ पे फुल स्टॉप और कॉमा लगा के रखे हुए, यू आर जस्ट ब्लेमिंग अस. सो अल्टीमेटली द डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड आस्किंग फॉर द डेटा. हम बात करेंगे डेटा के ऊपर, आप लोग जितना भी हम लोगों को ऊपर ब्लेम क्यों ना करें, बट वी विल स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. तो ये डेवलपिंग कंट्री डेटा मांगने लग गया कि चलो ठीक है, मान लिया कि कुछ देर के लिए हम लोग मानते हैं कि वी आर द मेन कॉजेस बिहाइंड दिस पोल्यूशन, तो हमें डेटा दिखाइए, डेटा ये रिपोर्ट दिखाइए कि हाँ कि आप लोग पोल्यूट कर रहा है. So as the data. So finally, it is very surprising to see that when the data was released, national level पे जब वो बड़े questions उठा ना, the blame game वाला जो questions है, developed countries started blaming the developing countries for all the pollutions, emissions, जितने भी carbon dioxide emissions हो रहा है, सारे के सारे developing countries पे ठोका. So ये developing countries ने data मांगा. So it is very surprising to see the data. अगर आप data को देखे तो ये देखो, जैसे कि United States, जो कि एक डेवलप्ड नेशन है, राइट, ऑल ऑफ अस नो, यूनाइटेड स्टेट एलोन ये 2016 की डेटा है. इन दिस 2016 की अगर जब डेटा देखा तो वहाँ पे दिखाया गया है कि 15.50 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन, जो हमारे ऊपर ब्लेम किया था. दे वर ब्लेमिंग अस, द डेवलपिंग कंट्रीज को जो ब्लेम कर रहा था कि आप लोगों की वजह से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आप लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इज लाइक एक्सट्रीम कंडीशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. जब डाटा देखा, पानी का पानी दूध का दूध निकल के आ गया. सो हियर इट इज सीन दैट कि यूनाइटेड नेशंस कितने मेट्रिक टन्स, 15.50 मेट्रिक टन्स करते क्या है, एमिशंस करते, दे यूज़ टू एमिट दैट मच कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे अगर देखें रशिया कितने एमिट करते, रशिया 12.00 मेट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज टू एमिटेड. एट द सेम टाइम चाइना एमिट 7.18 मेट्रिक टॉन्स. जहाँ तक इंडिया के सवाल है, देखो 1.82 मेट्रिक टॉन्स ओनली इंडिया यूज टू एमिटेड, बस इतना ही. सो फाइनली दे सेज कि यार जो आप लोगों ने हमें ब्लेम किया था कि हम लोग ज़्यादा पोल्यूटेड एमिटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हम लोग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वजह से आप लोग बोल रहे हैं डेवलप कंट्री वेर ब्लेमिंग द डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री
तो अभी इन लोगों को जब डाटा रिपोर्ट आ गया तो पानी का पानी दूध का दूध हो गया कि आप लोग देखिए जो आप लोगों ने हम पे गलत वाले जो इंजाम लगा के रखे हुए थे कि वी आर द पोल्यूटर, वी आर द मच एमिटर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सो यहाँ पे डाटा तो साफ दिखाई दे रहा है कि दिस वेयर द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज से ज्यादा एमिट कर रहा है कि नहीं। सो हमारे देखो 1.82 मेट्रिक टन्स ओनली, वी आर नॉट दैट मच कंट्रीब्यूटर जितने वो हमारे ऊपर ब्लेम ठोका हुआ था, जितने वो हमारे ऊपर ब्लेम डाला था कि उतना तो हम करता नहीं है, दिस सो कॉल्ड डेवलप नेशन से वो लोग ज्यादा कर रहे हैं। सो फाइनली व्हाट हैपेंस कि इन सारे कंट्रीज, ये तमाम सारे जितने भी कंट्रीज है 193 कंट्रीज एक साथ इकट्ठे होकर वो लोग बोलने लग गए कि ये मतलब ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री पोल्यूशन एमिट करता रहे और ओनली दैट कंट्री विल बी सफरिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग एज फार एज दिस एनवायरमेंट वाला कंसर्न है ना, इट विल सफर, इट विल अफेक्ट एवरीबडी एज ए होल, सबको लेके डूबेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कंट्री पोल्यूशन एमिट कर रहा है उसी कंट्री को इफेक्ट होंगे, इम्पैक्ट उसी पे पड़ेंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर एक कंट्री में धुआं ज्यादा चोर रिलीज कर रहा है वो सारे के सारे ग्लोब में एवरीवेयर इट विल बी इफेक्टिंग। अगर ऐसे हम चलता रहे, अगर इसी तरह से अगर एमिशंस रोक टोक करे बिना अगर हम चलता रहे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चक्कर पे, तो एक दिन द डे विल बी नॉट वेरी लॉन्ग कि हमारे इस दुनिया से, इस पृथ्वी से, इस धरती से मानव प्रजाति ह्यूमन काइंड विल बी कम्प्लीटली डिसअपियर, ह्यूमन काइंड कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे। मानव नाम की जो जाति प्रजाति आप देख रहे हैं ना, ये रहेंगे ही नहीं अगर हम इसी तरह से ब्लेम गेम खेलता रहे। सो फाइनली दे केम टू कंक्लूजन दैट कि नहीं, ऐसा नहीं होंगे, डेवलपिंग ये सब बातें खत्म करो, हम सब एक साथ इकट्ठे होके इस पर्टिकुलर मुसीबत से लड़ेंगे, हम एक साथ इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर गोल सेट करेंगे, एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करेंगे और उस टारगेट को हम सब एक साथ फुलफिल करेंगे। And that particular goal and that particular target itself is the sustainable development goal. मतलब हमें development भी करना है, लेकिन उस तरह से हम develop करेंगे क्योंकि economical growth and development तो चाहिए होंगे, we will grow and develop together. लेकिन हम इस तरह से development करेंगे ताकि हमारे पास जितने भी resources है, ताकि हमारे पास जितने भी हमारे हाथ पे है इस धरती में, इस पृथ्वी में है, खूबसूरत से इस पृथ्वी में, इन दिस अर्थ पे जितने भी है, हम उसको उस तरह से यूज करेंगे ताकि वो फ्यूचर जनरेशन तक भी, मतलब ना फ्यूचर जनरेशन तक भी वो सस्टेनेबली रहे, ताकि हम दूर तक बहुत सालों तक जनरेशन तक ताकि हम इसको यूज कर पाए। वी विल गिव द प्लैनेट, वी विल ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर प्लैनेट इन द सेम वे द वे वी हैव रिसीव्ड इट। अगर हो सके तो इससे भी हम बेहतर करें, लेकिन अगर हम बेहतर ना कर पाए लेकिन हम इसको बिगाड़ेंगे नहीं। जिस तरह से आपके जन्म जब हुआ था, जिस तरह से आप इस दुनिया को एकदम खूबसूरत सी ना, एकदम फ्रेश एयर आपको मिला था, फ्रेश ऑक्सीजन मिले थे, वॉट एवर द एनवायरमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड व्हेन यू गॉट बर्थ, उसी तरह से आपको फ्यूचर जनरेशन को भी हम उसी तरह से इसको सौंपेंगे। वी विल ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर अर्थ इन द सेम वे दैट वी हैव रिसीव्ड, हम इसको कोई डिस्ट्रैक्शंस करेंगे नहीं। इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम जाता पे ज़्यादा पोल्यूटेड करेंगे नहीं। वी विल फाइंड आउट ए वे टुगेदर, हम सब एक साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे, सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, क्योंकि हम अगर बेहतर ना कर सके तो हमको इसको बिगाड़ने का भी कोई ना उद्देश्य, लाइक वी डोंट हैव द राइट ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग इट। अगर हमने इस तरह से डिस्ट्रैक्शन कर लिया तो फ्यूचर जनरेशन तो रहेंगे नहीं, फ्यूचर जनरेशन को साफ ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं, साफ पानी मिलेंगे नहीं, तो हाउ दिस पीपल विल बी सर्वाइविंग, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन, ह्यूमन काइंड, फौना एंड फ्लोरा, एवरीथिंग विल डिसअपीयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अर्थ। अगर हम ना दिस वन वफा ना कर सका तो हम बेवफा तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर हो सके तो हम कोशिश करेंगे एक साथ ताकि इस पर्टिकुलर दुनिया को ना इससे भी बेहतर दुनिया बना के फ्यूचर जनरेशन के हाथ पे दे दें। सो दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल गोल इज अबाउट, यूजिंग एवरीथिंग इन ए सस्टेनेबल वे, प्यार से इसको यूज करेंगे। हम ऐसा नहीं कि इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको प्यार से यूज करेंगे ताकि इसको दूर तक हमको लेके जा सके। जैसे कि आप छोटे से एग्जांपल ले लो, अगर आप एक गाड़ी खरीद लिया, सपोज गाड़ी खरीद लिया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, राइट, कोई भी आपका प्यारा सा एकदम बहुत प्यार से इसको जूटा वता कपड़ा वक्त मकान जो गाड़ी जो भी है आपका पसंदीदा कुछ चीज खरीद लिया, जब आप इसको प्यार से यूज करेंगे तभी ना वो बहुत दिन तक टिकेंगे, तभी ना वो बहुत दिन तक चलेंगे। जब आप इसको रफ यूज करेंगे, कोई मतलब ना उस पर दया नहीं दिखाएंगे, रफली यूज करेंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है कि 2-3 दिन में तो खत्म। लेकिन बात यह है कि वो टीवी है, वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। पर थिंग इज, ये दुनिया है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लैनेट है, वी हैव ओनली वन प्लैनेट, वी डोंट हैव अ सेकंड प्लैनेट, हमारे पास और दूसरा प्लैनेट है नहीं।
We don't have a planet B. We have only one planet, that is A, this particular planet only. इसीलिए हमको इसको प्यार से यूज करना हो. ऐसा नहीं है कि एक टीवी खरीद के रखा हुआ है, बस उसको वैसे बिठा के रख दिया, इसको हम चलाएंगे नहीं कभी. नो, इसको यूज करना, चलाने के लिए यूज कर रहा है, इसको चलाएंगे ले. हम इसको प्यार से चलाएंगे. तो ये प्यार से हम इस दुनिया को, इस धरती को, हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए. मतलब वेन एवर देयर इज ए पॉपुलेशन, डिमांड विल बी देयर. डिमांड होने से आपको आउटपुट सप्लाई भी देने होंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि धरती को, इस पर्टिकुलर वर्ल्ड को प्रिजर्व करने का चक्कर में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भूल ही जाए. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के चक्कर में वी कैनॉट स्टॉप प्रोड्यूसिंग द राइस एंड फूड ग्रेन्स. जैसे जैसे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऑल ऑफ अस नो दैट. हमारे पास जितने जमीन थे उतने ही जमीन है, जमीन बढ़ते ही नहीं जा रहा है, बट पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है. लेकिन पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब ना, ये आर्ट को प्रोटेक्शन करने के चक्कर में हम प्रोडक्शन राइस कल्टिवेशन करना ही छोड़ दे. क्योंकि नहीं नहीं हम कल्टिवेट करेंगे नहीं, मतलब इसको हम प्रोटेक्ट करके रखना है, मदर अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है. तो ये सारे के सारे जनसंख्या क्या है, भूखे मारे से ना, हंगर प्रॉपर्टी से वो मर ही जाएंगे. देट विल कम्प्लीटली सोसाइटी, वो एक पीसफुल सोसाइटी बनेंगे ही नहीं. सो डेफिनेटली हमको यहाँ पे खेती बाड़ी भी करना है इस पर्टिकुलर धरती पे. एट द सेम टाइम ये ध्यान रख के करेंगे कि हम इसको प्यार से करेंगे, प्यार से इसको आगे लेके बढ़ेंगे. सो दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल गोल इज अबाउट. ताकि हमको फ्यूचर जनरेशन को, ह्यूमन काइंड को प्रिजर्व अगर करने हैं, देन दोस आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड. सो फाइनली ऑल दिस 193 कंट्रीज हैज केम टुगेदर. सो 193 कंट्रीज एक साथ इकट्ठे हुए, 193 कंट्रीज एक साथ इकट्ठे होकर फाइनली एक कॉमन गोल डिसीजन पे आया. दैट इज व्हाट इज नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें हमारे पास 17 गोल है, 17 गोल आर देयर, 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. उसको हम बाद में देखेंगे, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड अंत तक हम इसको देखेंगे. वो 17 एम, वो 17 ऑब्जेक्टिव, वो 17 गोल कौन कौन सी है, दैट वन वी विल सी. इन 17 गोल्स को 2030 तक हम क्या करेंगे, 2030 तक दैट पर्टिकुलर गोल को हम पूरा करेंगे. सो दैट वी विल लीव ए हैप्पी एंड ए प्रोस्पीरियस लाइफ इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में हम एक खूबसूरत सी दुनिया बनाएंगे और इसी तरह से उस दुनिया को फ्यूचर जनरेशन तक हम हैंड ओवर करेंगे. एक अच्छी खासी, मतलब तक प्यार से हेल्दी अर्थ को हम आगे की जनरेशन तक वी विल हैंड इट ओवर इन ए हेल्दी कंडीशन. दिस इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट. इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज फार एज इट इज कंसर्न, ऑलरेडी आई टोल्ड यू which means the needs of the people, which means meeting the needs of the people without compromising the ability of the future generations. As I already told, अभी हमारे जनरेशन को जो चाहिए वो हम पूरा करेंगे, लेकिन at the same time future generations जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए हम ये ना खत्म करके, खराब करके इस धरती को हम छोड़ेंगे नहीं. हम इसको प्यार से जो भी हमारे नीड्स चाहिए उसमें से हम निकालेंगे, एट द सेम टाइम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो हमारे आने वाले पीढ़ी है वो भी इसको उसी तरह से, ढंग से, अच्छी तरह से यूज़ कर पाए, इनको भी साफ सुथरा हवा मिले, साफ सुथरा पानी मिले. दिस इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट. नाउ हियर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज कॉइन बाय फर्स्ट by whom? Bundtland Commission. During the Bundtland Commission, the most widely accepted definition of the sustainable development was given by whom? Bundtland Commission, which was constituted in 1987. So this particular sustainable development ko jo definitions, widely accepted definition was given. Now, finally, what happens ki ye jo sustainable 193 countries came together, and set a common goal ki ya, ye sare ke sare goal hai, hum sab, matlab na ek dusre ko blame game खेलते हुए कि ये डेवलपिंग है, ये डेवलप कंट्रीज है, इन लोगों ने डिस्ट्रक्शन किया, हमें रोक रहा है, ये सब हम ब्लेम गेम खेलेंगे नहीं. एक साथ इकट्ठे होकर हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि सब लोग, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं. इट इज़ ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल कॉल टू एंड द पॉवर्टी, यूनिवर्सल कॉल टू एंड ऑफ द हंगर, पॉवर्टी, हंगर, इन सब को हम खत्म करेंगे. एक साथ इकट्ठे मिलकर हम क्या करेंगे, सोशली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, हम सस्टेनेबली हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. हम वी विल लीव नो कंट्री बिहाइंड, किसी भी देश को हम छोड़ेंगे नहीं. हम एक साथ विकास की ओर आगे बढ़ेंगे. वी विल कम टुगेदर, एक्ट टुगेदर, एंड लीव ए एंड मेक ए वेरी पीस एंड ए प्रोस्पीरियस वर्ल्ड वेयर एवरीबडी विल बी लिविंग हैप्पीली. दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल. सो फॉर दैट, फॉर फुलफिलिंग दैट, वी हैव टू वर्क टुगेदर. कोई एक कंट्री एनवायरमेंट को सिर्फ और सिर्फ कोई एक कंट्री प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. एनवायरमेंट का जो इश्यू है, क्लाइमेट का जो इश्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश की इश्यू नहीं है. इट इज़ ए इश्यू ऑफ ऑल ओवर द ग्लोब.
So therefore, we will come together and act togetherly. So finally, why this sustainable development goal is required? As I already told you, बढ़ते हुए ultimately the climate is changing at a very drastic rate. Already we have seen it. जिस तरह से किस तरह से हमारे global temperature rise हो रहा है, sea level is rising. अगर इसी तरह से चलता रहा, destruction अगर इसी तरह से होता रहा, तो definitely ये ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं है ये हमारे धरती. जो जो small island countries है ना, because of the rising sea level completely it will be inside the ocean sea. ये पानी के नीचे आप पाए जाएंगे, तो छोटे छोटे आइलैंड्स है. एट द सेम टाइम बाकी जो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई जी नहीं पाएंगे इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में, धरती पे कोई रह ही नहीं पाएंगे, मतलब ह्यूमन काइंड विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली ओवर. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड रिसोर्सेज को हम प्यार से यूज करना बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे पास जितने हैं उतने ही है, उससे ज़्यादा यहाँ पे ना लाइक लैंड सरफेस ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं. इसीलिए हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या, इच एंड एवरी ईयर आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर हमें इसका जो डिमांड है उसको, नीड्स है उसको फुलफिल करने होंगे, तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्शंस को दो डबल करने होंगे. वी हैव टू इंक्रीज आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ट्वाइस, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह से हम इसको डबल करेंगे, कुछ इस तरह का सोल्यूशंस निकालेंगे जिसमें से ये बोलते हैं ना लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए, उस तरह से हमें कुछ इकट्ठे होके एक साथ बैठ के हमें कुछ सॉल्यूशंस निकालने होंगे. अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस विल बी देयर, लेकिन बस ये है कि हमको शांति से बैठ के हम एक साथ डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे. सो इन दैट वे फूड प्रोडक्शंस को हमें डबल करने होंगे जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रहे है. एट द सेम टाइम नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन वाटर स्केस वाटर स्ट्रेसेस एवरी अवर 2025. ऑलरेडी देखो जिस तरह से हम लोग अपने जो जिसन नो लाइक वाटर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, अगर इसी तरह से हम यूज़ करें अनप्लान इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बनाते रहे, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, और जो ग्राउंड वाटर टेबल है विल बी डिक्रीजिंग. अब तो शहरों में तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुके हैं. इन द शहर में जैसे कि विंटर सीजन में, समर में लगभग यू गेट अ वाटर, बट ड्यूरिंग द विंटर सीजन एज अ विंटर ऑटम अराइजेस ड्यूरिंग द विंटर, पानी के सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होते हैं? पानी चेन्नई को ही देख लो, अभी रिसेंटली द वाटर क्राइसिस वाटर डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन इन द साउदर्न स्टेट, कर्नाटका पे वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, ऑलरेडी यू माइट हैव सीन इट. एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें गुवाहाटी सिटी में सबसे दिक्कत आपको पानी का ही मिलेंगे. ड्यूरिंग द विंटर सीजन लाइक वाटर टेबल गोस एक्सट्रीमली डाउन, मतलब पानी मिलेंगे ही नहीं आपको, पानी का सबसे एक प्रॉब्लम होने वाला है. सो द फ्यूचर क्राइसिस द फ्यूचर फाइट विल बी फॉर द वाटर, इसीलिए हमें प्रिजर्व करना जरूरी है. इसीलिए हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़े करते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसको इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इको फ्रेंडली तरीके से बनाना बहुत ही जरूरी है. वी हैव टू एडॉप्ट द सस्टेनेबल. अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीवन मतलब ना शहर पे लोग रह नहीं पाएंगे, इवन शहर ही नहीं गांव तक भी स्लोली एंड स्टेडीली विल बी राइजिंग, स्लोली स्टेडीली विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड द रूरल एरिया, गांव एरिया तक भी सेम प्रॉब्लम विल बी राइजिंग. अल्टीमेटली फाइनली नो वन विल बी एबल टू सर्वाइव ओवर हियर. इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल डिमांड इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चक्कर पे उतना रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर चुके हैं. सो अल्टीमेटली फाइनली द मेराइन लाइफ अंडर द वाटर हैज बीन एक्सप्लॉयटेड अप टू एक्सट्रीम लेवल. हम लोगों ने प्लास्टिक इतना लेवल पे, मतलब हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, दैट हैज कम्प्लीटली दे हैव कम्प्लीटली पोल्यूटेड अवर ओशन एंड सी, और विच इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग अवर मेराइन लाइफ. एट द सेम टाइम अगेन बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू अगेन इट विल बी हैम्परिंग यूएन नील अगेन. एट द सेम टाइम हमारे पास इग्नोरेड, हमारे पास जो फॉसिल्स फ्यूल्स है वो लिमिटेड है, दैट इज लाइक बस एक ही बार है, वो बार बार आएंगे नहीं, उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर चुके हैं. अगर ऐसे चलता रहा एक दिन वो खत्म हो जाएंगे. सो फाइनली इट इज ए करेक्ट टाइम राइट टाइम टू कम टुगेदर यूनाइट टुगेदर एंड थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रुप एंड थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए दिस इज द राइट टाइम, वी हैव टू एक्ट टुगेदर. ये जितनी भी दुश्मनी है, इस पे आपस के जो भी ना लाइक स्मॉल पेटी इश्यूज है, वो सबको साइड पर रखते हुए हम सबको एक साथ इकट्ठे इस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंजेस, ये जो लाइक लिमिटेड जो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, एक्सप्लोइटेशन टू नेचुरल, ये सब के ऊपर काम करना जरूरी है अगर हमें इस दुनिया पे जिंदा रहना है. अगर ह्यूमन काइंड हैज टू prevail in this particular world, then definitely sustainable development is the only solution. Everything needs to be sustainable. Sab kuch sustainable tarike se karne honge. Otherwise, ye duniya jo aap dekh rahe hai na, ye jyada din tak tikenge nahi.
सो विच इज वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये जो गोल 2030 तक अचीव करना बहुत ही जरूरी है. सो फाइनली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द वर्ल्ड 193 कंट्रीज केम टुगेदर 193 केम टुगेदर एंड अल्टीमेटली दे सेट अप अ गोल दैट बाय 2030 वी विल बी फुलफिलिंग इट. सच 17 गोल्स है इसको ऑलरेडी आई टोल्ड यू आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. इस स्लाइड के अंत में हम डिस्कस करेंगे वो 17 गोल कौन कौन से हम देखेंगे. फाइनली ultimately 193 united nations countries came together and this sustainable development goal was adopted on 2015 ko sustainable development goal ko adopt kar aur us tarah se adopt kar li ki hum log development karenge because development has to be there but the thing is that socially economically or environmental social economical or environmental in teeno ko ek sath balance pe rakhte hue hum development ki taraf aage badhenge. And these three, social, economical, and environment, these are the three core elements of the sustainable development goal. ऐसा नहीं है कि environment को protection करने के चक्कर में हम economically कुछ ना करें. हम economical development भी करेंगे. But at the same time, what will happen? Environment को ध्यान पर रखते हुए. Because environment is very much important. At the same time, हम socially, because एक बेटर सोसाइटी एक अच्छा सोसाइटी ही एक अच्छा लाइक नो व्हेन द सोसाइटी विल बी बेटर देन ओनली वी कैन क्रिएट एन हेल्दी एनवायरनमेंट. जब तक आप अच्छी खासी एक बेटर सोसाइटी होंगे नहीं तब तक आप एक बेटर व्हाट्स कॉल्ड लाइक एक बेटर एक अच्छा दुनिया आप बना नहीं पाएंगे. एक हेल्दी सुन लो एनवायरनमेंट आप मिलेंगे नहीं. जब आपका एनवायरनमेंट हेल्दी ना हो डेफिनेटली योर इकोनॉमी कैन नॉट बी एन हेल्दी इकोनॉमी. सो देयरफॉर इन सारे के सारे जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है सोशल फैक्टर है एनवायरनमेंट फैक्टर है इन तीनों को एक साथ इकट्ठे बैलेंस पर रखते हुए हम आगे डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे. दैट इज व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज. सो हियर वी विल सी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट व्हेन वी स्पीक अबाउट द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें व्हेन एवर वी स्पीक अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनवायरमेंट. क्योंकि पर्यावरण के बिना एनवायरनमेंट के बिना एक हेल्दी एनवायरनमेंट के बिना हम ढंग से जी नहीं पाएंगे. वी वॉन्ट बी एबल टू लिव ए वेरी गुड लाइफ. इट इज़ वेरी मच एन इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारे जो बिकॉज वी हैव एक्सप्लॉइटेड द एनवायरनमेंट टू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल. बहुत मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का चक्कर में ना अंधाधुंध चारों तरफ हम डिस्ट्रक्शन करके रखे. डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा जमीन हम खाली कर दिया काट के पेड़ को काट वाट के मतलब एक्सट्रीम लेवल तक हम लोग चले गए. वी हैव डिग्रेडेड द एनवायरनमेंटल लॉट. पोल्यूशन इंडस्ट्रियल के चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर पे हम लोगों ने बहुत सारे इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दिस टॉक्सिक गैसेस वी हैव एमिटेड इनटू द एनवायरनमेंट. जस्ट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जब पत्थर आप अगर फेंकोगे तो डेफिनेटली आपके सिर पे ही गिरेंगे राइट. तो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस राइट नाउ. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें क्योंकि जब आपके पर्यावरण आपके एनवायरनमेंट आपकी जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वो जब साफ सुथरे होंगे जब वहाँ पे साफ हवा अच्छी हवा मिलेंगे साफ सुथरा पानी मिलेंगे तभी आपका हेल्थ अब वहाँ पे अच्छी तरह से जी पाएंगे. जब आप अच्छी तरह से जिएंगे तभी ना एक सोसाइटी बेटर दुनिया की तरफ हम सोच पाएंगे. तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस ऑन द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. हमें एनवायरमेंट को यूज़ करेंगे लेकिन इसको प्यार से यूज़ करेंगे उसको उस तरह से यूज़ करेंगे उसमें से ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा ताकि हमारे एनवायरनमेंट फ्यूचर जनरेशन तक भी अच्छे खासे वो प्रोटेक्ट कर सके अच्छे खासे एनवायरनमेंट हम उसको भी दे सके. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन ओनली व्हाट विल हैपन हमारे पास प्लैनेट रहेंगे. प्लैनेट रहने से ही हम पीपल यू एंड मी गाइस विल बी स्टेइंग हियर. सो प्लैनेट पीपल को प्रोटेक्ट करते हुए हम प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे मतलब आगे की तरफ हमें आगे बढ़ने होंगे क्योंकि डेफिनेटली इफ़ यू आर हियर देन वी हैव टू एडवांस इट. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के चक्कर में बस 4G पे ही रहे. डेफिनेटली 5G है कल 6-7G भी आएंगे लेकिन हम उसको ना ऑल्टरनेट ढूंढना होगा जो इको फ्रेंडली है उस टाइप की कुछ टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट को हम ढूंढने होंगे ताकि वो इको फ्रेंडली हो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे. सो इन दैट वे वी हैव टू थिंक. सो अगेन व्हेन वी स्पीक अबाउट द सोशल सस्टेनेबिलिटी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जब तक एक बेहतर सोसाइटी रहेंगे नहीं तब तक आप बेहतर एक एनवायरनमेंट ना यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट. एक सोसाइटी में अगर वहाँ पे ना पोवर्टी होंगे हंगर होंगे तो आप कैसे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि वो जो पोवर्टी है हंगर है अंडर प्रिविलेज लोग जहाँ पे है वहाँ पे कैसे आप यू कैन एक्सपेक्ट हाइजीनिटी ओवर देयर राइट. यू कैन एक्सपेक्ट नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट ओवर देयर क्योंकि जब पेट पे भूख रहेंगे ना वो कुछ भी करने के लिए मतलब हिचकिचाएंगे नहीं. तो उसके ऊपर आप जितने भी मोटिवेशन जितने भी आप उसको बोलता रहे नो दे विल नॉट लिसन इट. व्हेन देयर इज एन हंगर व्हेन द माउथ इज रनिंग इन योर स्टोमक तो उसको जितना भी आप मोटिवेशन झाड़ लो वो कुछ सुनने वाले में से है नहीं.
जब उसका पेट में भूखा रहेंगे, जब वो भूखे पेट जब वो रहेंगे तो वो कुछ की मतलब, यानी कि वो उसको बोलेंगे कि यार ये खाना आप ले लो, इतना खाना आपको मिलेंगे, ये पूरा का पूरा जंगल आप साफ कर, एक पेड़ काट के दो, वो तो एक पेड़ क्या 10 पेड़ काट देंगे वो, जब तक आप इसका पेट का, जब तक उसका पेट को आप भरेंगे नहीं, तब तक आप जितने भी बोलो नो यूज, जितने भी आप एनवायरमेंट को कोशिश कर ले बचाने के लिए नो यूज, क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली इस सोसाइटी को आपको सुधारना ही होगा, इस सोसाइटी को आपको समझाना ही होगा, इस सोसाइटी में जो गरीब है अमीर है सबको एक साथ लेके आपको चलना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब है, जो अंडर प्रिविलेज लोग है इसको बस इग्नोर करके आप चले, नो, यू हैव टू टेक देम टुगेदर। जेंडर इनइक्वलिटीज को हमें कमाने होंगे, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वुमेन, मार्जिनलाइज फार्मर, ये सबको हमको आगे लेके बढ़ने होंगे, बिकॉज देन ओनली व्हाट विल हैपन, जो एल्डरली पीपल है वी हैव टू वर्क फॉर देम, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर ए गुड एनवायरमेंट, गुड सोसाइटी। व्हेन योर सोसाइटी विल बी बेटर, देन ओनली यू कैन थिंक दैट एवरीथिंग विल रिमेन इन अ बेटर वे। इसीलिए हमको तो रहना समाज में ही है, समाज को सुधारना बहुत ही जरूरी है। सो व्हिच इज व्हाई सोशल सस्टेनेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू प्रिजर्व दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, इफ यू वॉन्ट दैट कि ये दुनिया आगे की तरफ एक बेहतर दुनिया अगर आगे वाले जनरेशन को अगर आप देना चाहें, तो मॉरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चों को सिखाना है कि यार ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से, एथिकल वैल्यू, मॉरल वैल्यू उसको सिखाने होंगे, तभी वो सीखेंगे, तभी वो इसको आगे वाले जनरेशन तक हम बोल पाएंगे कि यस वी हैव दिस समथिंग फॉर दैट। सो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम ये सबको, ये सब व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोसाइटी है, सोसाइटी में इंसान है, आदमी है, आप है, हम है, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इज, वी विल बी डेफिनेटली डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि हम आज अगर हम बोले कि दुनिया से टेक्नोलॉजी को डिलीट कर देना, नो बडी विल एग्री विद इट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूज टू विद दिस सिस्टम। अभी अगर हम यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पढ़ा रहे हैं, अब अगर मोबाइल चला रहे हैं ना, तो इस दुनिया में से आप मोबाइल फोन को हटा नहीं सकता है, बस इसका ऑल्टरनेट हमें ढूंढना होगा, इस तरह के मोबाइल फोन जनरेट करने होंगे जो मतलब सस्टेनेबल हो। एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आवर इकोनॉमी शुड बी डेवलप्ड एंड डेवलपमेंट शुड बी इन अ सस्टेनेबल मैनर्स, इट हैज़ टू बी इन सस्टेनेबल मैनर, मतलब गरीब अमीर सबको, वल्नरेबल सेक्शन सबको एक साथ इकट्ठे हमको ऐसे पॉलिसीज बनाने होंगे ताकि वो जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो सबके ऊपर उठ सके। जब तक ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ लोग हैं, इन लोग को जब तक आप ऊपर उठाएंगे नहीं, अनटिल अनलेस यू रेज अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट योर सोसाइटी, योर इकोनॉमिकली स्टेबल, योर इकोनॉमिकली इकोनॉमी इज सस्टेनेबल। सो वी हैव टू वर्क इट टुगेदर, यू कैन लीव एनीबडी बिहाइंड, everything has to be go in hand, so focus on the equal economical growth is very much important. aisa nahi hai ki developed country bas develop ho gaye wo ignore karenge ki developing aur under developed countries ko, bas aap log apna hisab se dekh lo, hum to develop hai, hum to bhai mahalo mein rehte hai, bas hamare paas saaf sutre hawa hai to hum kuch na karenge, no, they cannot ignore it in that way, because ye jo ek section ek country ke ek duniya ke kone mein jo destruction chal raha hai na, aste 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 karke usko bhi khatam karwayenge, because it is like a virus। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस शुरुआत चाइना में हुआ था, किस तरह से पूरा दुनिया में फैल गया, इजंट इट? उसी तरह से यू कैन नॉट इग्नोर इट कि हम डेवलप है, हम अमीर है, तो गरीब जैसे जैसे रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अमीर है तो इन गरीब कंट्रीज को हेल्प करने होंगे ताकि वो लोग भी क्या कर सके, आगे बढ़ सके, देन ओनली व्हाट विल बी देयर कि इक्वलिटी होंगे, जो इनइक्वलिटीज है ना वो कम होंगे। सो देयरफॉर दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे पास है मिल बांट के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द फॉर्म इन इट्स इन ऑल इट्स फॉर्मेट एंड डायमेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब तक आप पॉवर्टी को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप हंगर खत्म नहीं करेंगे, तब तक चाहे ऑलरेडी आई टोल्ड यू चाहे कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं। सो देयरफॉर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिकल टू डेवलप आवर इकोनॉमिकल इन ए सस्टेनेबल मैनर में डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। एट द सेम टाइम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल एज 193 यूनाइटेड नेशन की जो 193 कंट्रीज एक साथ इकट्ठे होके जो गोल डिसाइड किया था, जो एम इन लोगों ने डिसाइड किया था 2030 तक पूरा करने के लिए, एंड दैट वन यू विल सी इट अबाउट हियर, यहां पे आप देख सकते हैं कि 17 गोल है हमारे पास, ऑल द यूनाइटेड नेशंस कंट्री हैज टू फुलफिल इट बाय 2030। बट आपको बता दूं कि ये जो गोल है ना, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग है नहीं, ये प्रॉब्लम है कि ये लीगली बाइंडिंग है नहीं। सो देयरफॉर द थिंग इज दैट सम द कंट्री यूज्ड टू टेक इट लाइटली, बट एट द सेम टाइम इवन दो इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको इग्नोर कर लिया
तो मानव प्रजाति इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, मतलब कुछ रहेंगे नहीं। That has to be clearly cutly, मतलब दिमाग पे बिठा दो। So which is why यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज्यादा इस sustainable development goal, जो 17 sustainable developmental goal है, इसमें अगर हम देखें तो definitely आपको ये ना अच्छी तरह से दिखाई देंगे कि सबसे ज्यादा focus अब social sector पे दिए गए हैं। Already actually the three pillar of sustainable developmental goal, जो तीन pillar है sustainable developmental goal के, that were environmental, economical and social, right? Environmental, economical and social development को हम इन तीनों को equally balance करते हुए आगे बढ़ने होंगे। So यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो social sector पे ज़्यादा focus की गई है। जैसे कि यहाँ पे social factor देखो, no poverty, that is about a social factor, zero hunger, ये भी social factor की है, good health and well-being, it is about a social factor के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन अबाउट सोशल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इट इज अबाउट इट वर्सेस ऑन द सोशल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन व्हाट एल्स इज देयर, पीस जस्टिस स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, दैट इज स्पीकिंग अबाउट द सोशल फैक्टर्स। क्योंकि जनरली हमारे पास जो आप और हम कहाँ पे रह रहे हैं, सोसाइटी पे रह रहा है, जब तक आप सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे नहीं, जब तक आप सोसाइटी को एक अच्छे ढंग का सोसाइटी बनाएंगे नहीं, तब तक एनवायरमेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर को हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। और जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेहतर नहीं होंगे, जब सोसाइटी ही बेहतर नहीं होंगे, तो डेफिनेटली हम बोल नहीं पाएंगे कि हमारे पास एक सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ग्रोथ आप नहीं कर पाएंगे। विच इज व्हाई मोर एम्फेसिस इन दिस सस्टेनेबल व्हाट्स कॉल्ड डेवलपमेंट गोल हैज बीन गिवन फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी को ज्यादा एम्फेसिस की गई है क्योंकि हमें सोसाइटी को बेहतर कराना होगा। अगर हमें जीरो हंगर, इफ यू हैव टू, अगर हमें जीरो हंगर अगर जैसे कि जीरो हंगर को अगर हमको खत्म करने होंगे, देन डेफिनेटली वी हैव टू एंड अप द पॉवर्टी। और अगर आपको जीरो हंगर खत्म करने हैं, पॉवर्टी को अगर खत्म करने हैं, देन डेफिनेटली वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन द लैंड एंड लाइफ बिलो वाटर, इनको हमें प्रोटेक्ट करने होंगे, इनको हमें प्रिजर्व करने होंगे। At the same time, अगर आप environmental factors को अगर हम देखें, there are some environmental factors जैसे कि clean water and sanitation, जहाँ पे environment को यहाँ पे ज़्यादा focus की गई है, affordable clean energy, which is focusing upon the environment को directly वो focus किए गए हैं, climate actions, definitely one of the very important actions जिसको हमें लेने हैं 2030 तक, already the goal which was decided, it has to be fulfilled, अगर ऐसे चलता रहा, अगर हम इसके ऊपर कुछ ना करेंगे, then definitely our global warming के वजह से, गर्मी के वजह से, hunger चोरी है, only because of the global warming, hotness, temperature increase होने की वजह से सब लोग यही पे सरे हुए मर जाएंगे। So definitely it has to be taken care of. There is about the environmental factor. Okay, life below waters and life on land. ये सारे के सारे environmental factors को represent करते हैं। Economical factors को अगर हम देखें, in the economical factor definitely here we can say the decent work and economical growth, industrial innovations and infrastructure, reduce inequalities. Again we can say that these are sustainable citizen, what's called community. Sustainable citizen community is about a social factor. ये social factors को represent करते हैं. Basically, we can say that 8, 9, 10 represents the economical factors. Economical sustainable development. इन सारे के सारे जो economical, social और हम लोगों ने क्या देखा? Environmental. इन सारे के सारे goal को एक साथ balance करते हुए हमें आगे बढ़ने होंगे. Then only we can protect our environment. तभी हम बोल पाएंगे कि we are leading towards a sustainable developmental goal. So otherwise, the world you and me are living, ज़्यादा दिन तक वो टिकेंगे नहीं। So यहाँ पे ये जाहिर सी बात है, इसको ना ये एक दूसरे का सा related है। आप अगर एक दूसरे एक से लेकर 17 तक अगर आप देखें, 17 क्या बोल रहा है? Partnership for the goal, मतलब ये ऊपर के जितनी 16 goal यहाँ पे दिख रहा है, ये 16 goal को हमें एक साथ मिलकर एक साथ Togetherly we have to achieve it. Togetherly we have to fulfill it. इस goal को हमें togetherly इस goal की तरफ आगे बढ़ने होंगे। This is what is the 17 is about. 17 सबको unite करके इसके ऊपर काम करने के लिए. That is what is the 17 का ये भी एक goal है. That is also one of our mission. यहाँ पे एक दूसरे का सर लेते हैं. देखो जब समाज में poverty होंगे नहीं, जब when there will be no poverty in the society, obviously nobody will be going to the bed in empty stomach, right? तो hunger खत्म होंगे. जब hunger ही नहीं होंगे, तो definitely सबका हेल्थ वेलबींग इट विल बी अ बेटर हेल्थ कंडीशंस रहेंगे, क्योंकि सब लोग पॉवर्टी है नहीं, हंगर है नहीं, डेफिनेटली हेल्थ कंडीशंस विल बी बेहतर हेल्थ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब आपके पास बेहतर हेल्थ होंगे, तभी ना आप एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे, या आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, तभी ना आप जब पेट में जब आपके पास ना लाइक चूहा दौड़ नहीं रहा है, तभी आपका दिमाग चलना शुरू करेंगे। देन ओनली कैन एक्सपेक्ट की एक अच्छी मतलब ना लाइक एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन स्किल बेस पे। जब समाज में एजुकेटेड लोग होंगे, तभी तो हम जेंडर इनइक्वालिटीज को कम कर पाएंगे।
when there will be no education, समाज में सब educated है ही नहीं, तो हम कैसे expect कर सकते हैं कि gender inequalities को कम करें? So definitely education is very much important अगर आपको gender inequalities को बढ़ाना है, और gender inequalities को अगर आपको घटाना है, gender inequalities के ऊपर अगर आपको काम करना है. At the same time जब आपके पास poverty है नहीं, hunger खत्म होंगे, सबके health and wealth condition everything is good, quality education है, gender inequalities है, तो definitely साफ सुथरे होंगे, समाज साफ सुथरे होंगे, साफ सुथरे हमें पानी मिलेंगे, everything will be needed, high six condition होंगे. So at the same time affordable clean and green energy मिलेंगे. At the same time we can say कि when you are educated, when everything is good and fit and fine, poverty है नहीं, hunger है नहीं, तो definitely हमारे जो working environment है वो एक decent working environment होंगे. The working environment will be decent. When there will be a decent working environment, obviously, जो हमारे पास innovations होंगे, infrastructure होंगे, जो हम सोचेंगे, that will be like a healthy conditions, healthy environment की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे. Require inequalities, at the same time, जब हमारे पास educated होंगे, poverty कम खत्म होंगे, zero hunger रहेंगे नहीं, तो definitely income inequalities रहेंगे नहीं. मतलब एक section of people जो गरीब है वो गरीब होता रहे या अमीर बनते बनेंगे नहीं. मतलब there will be a little bit balance in this particular income inequalities. At the same time ये सारे के सारे जब रहेंगे तो हमारे जो communities है, हमारे जो like the cities है, it will be automatically a sustainable cities and what's called communities will be there. At the same time जब आपको poverty hunger अगर आपको खत्म करना है तो आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो कंजम्पशन है, इट इज टू बी इन अ रेस्पॉन्सिबल वे. सो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन ओनली वी कैन से हम हंगर को खत्म कर पाएंगे. सो देयरफॉर दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. सो इसको रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड व्हाट्स कॉल्ड प्रोडक्शन अगर करने होंगे तो हमें क्लाइमेट के फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी होंगे. बिकॉज ऐसा नहीं है कि मतलब आप कंज्यूमर ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, मतलब इतना इरेस्पॉन्सिबल वे, तो डेफिनेटली इट विल डायरेक्टली हार्म द क्लाइमेट. क्लाइमेट को हमारे एनवायरमेंट पर्यावरण को हार्म करेंगे. तो डेफिनेटली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने हम कंज्यूम करें वो रिस्पॉन्सिबली, हम जितने चाहिए उतना ही हम खाना पकाए, ज्यादा वेस्ट करें नहीं. तो दैट इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इज. एक छोटे लेवल पे अगर आप देखें तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम क्लाइमेट एक्शन वेरी मच इंपॉर्टेंट. लाइफ बिलो द लैंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हंगर खत्म करने होंगे तो जो आपके पास जो ना कंजम्पशन प्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इन रिस्पॉन्सिबल वे, देन ओनली यू कैन प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, देन ओनली यू कैन प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द लैंड. ये सारे के सारे जब रहेंगे तभी हम सोसाइटी में एक पीस प्रोस्पीरियस सोसाइटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन ओनली यू कैन से हम खुशी से इस सोसाइटी में रह पाएंगे. अगर ऊपर के सब कुछ हो गया, अब यह सबको फुलफिल करने के लिए हमें एक साथ काम करने होंगे. That is what is the 17 is all about. 17 says, let us come together and work together for fulfilling this particular goal so that we can have a better society, so that we can give a better society to our future generations. So this is what is about the sustainable developmental goal is about. Now the thing is that, as I already told you, हमारे पास सिर्फ एक ही planet है. We have got only one planet. हमारे पास दूसरी planet है नहीं. हमारे पास सिर्फ एक ही planet है, the planet which you and me people are living in. हमारे पास कोई ना दूसरा ग्रह है नहीं जहाँ पे आप जा सके, जहाँ पे आप रह सके. वी डोंट हैव प्लान बी, प्लैनेट बी हमारे पास ऑप्शंस है नहीं. इसीलिए ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने होंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के चक्कर पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ना करें. नो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करेंगे. एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी हम ध्यान पे रखेंगे. थिंग इज दैट अभी क्या करने होंगे, एक बेस्ट कुछ वेस है जिस तरह से हम इसको अचीव कर सके. द वे देयर इज सम मेथड थ्रू व्हिच वी कैन अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, दैट इज लाइक इंटीग्रेटिंग द साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. हम साइंस को भी एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे, एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल जो मेथड थे उसको भी एक साथ हम लेके आगे बढ़ेंगे. सो व्हिच इज व्हाई दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट.